गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो दोस्तों, आज हम से फिर स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ठीक है, ये दोस्तों आपके पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो आज का वीडियो है वो आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स गेन करके देता है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में जो है आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बस जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना, स्टडी कर लेना। ठीक है, इसका PDF नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आप यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, बट पहले आपके पास ये PDF पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए तो पहले आपको YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दी गई हैं वहाँ से ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। और ये YouTube चैनल का लिंक है, अगर आप अभी तक अपने इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर जोड़ना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर से क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन स्किल की, तो जो दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल है ये जो है आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और सेकंड था आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, एंड थर्ड जो था वो था रीडिंग स्किल, और चौथा था राइटिंग स्किल। ठीक है ना, तो जो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 12 नंबर का पूछा जाता है, वो मैं टोटली कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था, अब उसका एक दिन मैं PDF बना करके जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी ही डालने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। ओके, इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है, अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूँ, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर जो पार्ट है आपका, तो इसमें दोस्तों आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ, और ये आपका 2 नंबर का डेफिनेशन पूछा जाता है, और कौन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा अभी जस्ट। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में बाकी की जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो गया, ये थोड़ा सा आप पढ़ते रहिएगा, अगर टाइम मिलता है तो ये भी मैं आपको जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बात रही पंक्चुएशन की, तो पंक्चुएशन में दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपके मेनली 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, हालांकि अगर रूल्स पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि पंक्चुएशन के रूल्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली मैंने अभी तक जो देखा है कि आपके 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पंक्चुएशन का पूछा गया। ठीक है, इसके बाद बात रही रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल की, तो ये मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ आपके और जो आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स हैं उनमें। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर वाला पोर्शन, यानी कि सेकंड पोर्शन। ठीक है, तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में जो आपको पढ़ना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन दोस्तों और एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में जो आपको स्टडी कराने वाला हूँ, ये 4 चीज़ें आपको स्टडी करना, आप ध्यान दीजिए क्या क्या है। तो दोस्तों पहला आपका दिया गया है यहाँ पे नाउन, क्या दिया गया है नाउन। ठीक है, नाउन आपको पढ़ना है, यानी कि इसका डेफिनेशन पढ़ना है, एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि नाउन क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज़ नाउन। ठीक है, एंड आपसे बोल सकता है कि इसकी तो एग्जाम्पल भी लिखिए। ठीक है ना, या फिर दोस्तों मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो नाउन के टाइप होते हैं आपके, ठीक है ना, नाउन के टाइप का भी आपका क्या है डेफिनेशन पूछा जा सकता है और उसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो प्रोनाउन है सेकंड, तो प्रोनाउन का भी डेफिनेशन पूछा जाता है, इसके जो टाइप्स होते हैं वो कभी नहीं पूछे गए हैं अभी तक मैंने देखा है। ठीक है, और इसके बाद आता है तीसरा एडजेक्टिव, तो इसका भी डेफिनेशन पूछा जा सकता है, और चौथा जो आपका एडवर्ब है ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवर्ब हो गया और आपका जो नाउन हो गया, यही मेनली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाई चांसेस कभी प्रोनाउन और एडजेक्टिव आपका पूछ ले, वरना मैंने अभी तक देखा है कि एडवर्ब और आपका नाउन और जो नाउन के टाइप्स हैं उनका ही डेफिनेशन पूछा जाता है 2 नंबर में, और आपका जो है साथ ही साथ एग्जाम्पल आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप इसका जो आपका कह सकते हैं नोट्स या PDF जो भी आप कह लीजिए वो यहाँ दिया गया है, और मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिखने की कोशिश पूरी करी है। ठीक है, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या हिंदी से रिलेट करते हुए अपना अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए
तो अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज नाउन को, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये भी साथ ही साथ तैयार हो जाएं हमारे इसी लेक्चर में, ठीक है ना। और अगर वीडियो लॉन्ग हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर आपको और प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जो है कम्प्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नाउन होता क्या है। देखिए बेसिक सी चीज़ है, हर किसी ने पढ़ी है और आप बहुत ही छोटी कक्षा से इसको पढ़ करके आए हुए हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा क्या होता है, ठीक है, क्या दोस्तों संज्ञा क्या होता है, यानी कि आपका यहाँ आप कह सकते हैं नाउन क्या होता है, एक सेकंड, आपका यहाँ जो नाउन है यानी कि संज्ञा है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले हिंदी में पढ़ लीजिए और उसके बाद अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके एग्ज़ाम में इसके एग्जाम्पल भी लिखने के लिए आते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि एक मार्क आपका डेफिनेशन का मिलता है तो एक मार्क आपका एग्जाम्पल का क्या है, डिसाइडेड है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आप डेफिनेशन लिख दिए और एग्जाम्पल छोड़ करके चले आए, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी साथ ही साथ लिखना है, ठीक है। तो अब नाउन क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है ना, सबको जो प्रकट करने वाले हमारे वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ जो लिखा है वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो नीचे जो है अब आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, देखिए अब ये नहीं कि हिंदी में लिखना है, ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको रिलेट करते हुए समझ सकें। हालांकि एग्जाम में तो अंग्रेजी में ही लिखना है, ठीक है। और आपने डेफिनेशन ऐसे भी पढ़ी होगी, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो वो भी यही डेफिनेशन है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का नाम प्रकट होता है वे वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जो भी आपको सही लगे आप यहाँ लिख दीजिए, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जब एग्जाम्पल लिखें तो कम से कम उसमें एक पर्सन का नेम हो, एक आपका वस्तु का नेम हो और एक स्थान का नेम हो, ऐसा ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं कि अगर आपसे दो एग्जाम्पल पूछें तो दोनों किसी व्यक्ति के लिख करके चले आए, ऐसा मत करिए, ठीक है। नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करना कि आप किसी वस्तु, किसी स्थान और किसी व्यक्ति का नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। तो एग्जाम्पल में दोस्तों क्या लिखा है यहाँ देख लीजिए, जो टीचर है वो आपका नाउन है, विलेज आपका नाउन है, सिटी आपका नाउन है, टाउन आपका नाउन यानी कस्बा, देखिए टीचर अध्यापक होता है, विलेज आपका गांव होता है, सिटी शहर होता है, टाउन कस्बा, स्कूल जानते ही हैं, कॉलेज भी जानते हैं, सन हो गया सूरज, मून चंद्रमा हो गया, स्काई आकाश, रिवर आपका नदी और आपका जो माउंटेन है वो आपका एक पर्वत होता है। तो ये सारे के सारे आपके नाउन्स हैं, ठीक है। अब नाउन्स को भी क्लासीफाई किया गया है, यानी कि इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यही वर्ड्स जो हैं आपके, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें से कुछ अलग अलग टाइप्स के नाउन है, ठीक है। कोई कॉमन नाउन होगा, कोई प्रॉपर होगा, कोई कलेक्टिव होगा, ठीक है, कोई आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कोई मटेरियल होगा, ठीक है। हालांकि मटेरियल तो मेरे हिसाब से यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपकी ये एग्जाम्पल काफ़ी है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। अगर दो एग्जाम्पल पूछे हैं तो दो ही लिख करके आइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ नाउन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन की। तो नाउन जो होता है आपका पांच तरीके का होता है, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, पहला होता है दोस्तों कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और चौथा होता है मैटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे किसी पदार्थ का पता चले, ठीक है ना। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु के हाव भाव का हम पता लगाएं, ऐसे शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स, सभी ने देख लिए, पाँच टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है एक बार रिपीट करिएगा दोस्तों, कौन कौन से टाइप्स हैं एक बार रिपीट करिए जल्दी से। कॉमन नाउन, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया प्रॉपर नाउन, देन आफ्टर तीसरा कलेक्टिव नाउन, फिर इसके बाद आपका मटेरियल नाउन और आपका पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कितने होते हैं, पांच, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है आपका कॉमन नाउन, यानी कि आपका जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, करेक्ट। चलिए
देखिए अब यहाँ है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों, यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो इसको पढ़िएगा। जातिवाचक संज्ञा जो है हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराते हैं, ठीक है ना। अब वर्ग पहले जान लीजिए होता क्या है, वर्ग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं एडमिशन देने जाते हैं या कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे आपका वर्ग जरूर पूछा जाता है, मतलब आपकी जाति जरूर पूछी जाती है, तो ये उसी का मतलब है, ठीक है। यानी आपकी क्लास हम कह सकते हैं, ठीक है ना, आपका जो कास्ट है उसका मतलब क्या है, ठीक है, वही आपका वर्ग होता है, यानी कि जाति, ठीक है ना। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, ऐसे शब्द हो गया जिससे क्या हो, एक वर्ग या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्ति, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है तो वो आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी की डेफिनेशन जो है वो पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिफर टू अ क्लास और टाइप्स ऑफ डिफरेंट पर्संस, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो कॉमन नाउन होता है ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे दोस्तों क्या होता है, एक ही जाति के सभी आपके व्यक्ति, सभी आपकी वस्तुएं, सभी आपके स्थानों का बोध होता है, ऐसे शब्द को हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है बॉय, क्या लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय क्या दुनिया का कोई एक ही बॉय होगा क्या, नहीं होगा ना, बॉय का मतलब है दुनिया के सारे बॉय, ठीक है, यानी कि सभी लड़के, ठीक है। तो एक ही जाति का आपका क्या आ गया, एक लड़का, ठीक है, यानी कि आपका बॉय आ गया। तो बॉय जो है वो दुनिया के सारे लड़कों का बोध करा रहा है। आगे लिखा हुआ है गर्ल, तो क्या गर्ल जो है दुनिया में एक ही गर्ल है क्या, गर्ल जो है पूरी दुनिया की जो गर्ल्स हैं उन सब का बोध करा रहा है, ठीक है, यानी एक जाति का बोध कराती है, ठीक है। इसी तरीके से विलेज, तो जो विलेज है क्या एक विलेज के बारे में बताया गया, मतलब विलेज यानी दुनिया में जितने सारे विलेज हैं वो सारे के सारे विलेज, ठीक है। जो बुक्स है, आगे देखिए, जो बुक्स है वो भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बुक्स दुनिया की सारी जो बुक्स हैं, ठीक है, उनका बोध करा रही है। इसके बाद जो रिवर्स है आपका, आपका रिवर है यानी नदी, वो दुनिया की सारी नदी का बोध करा रही है। टीचर की बात करें तो टीचर आपका एक टीचर नहीं, दुनिया के सारे टीचर, ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कोई एक बिल्डिंग नहीं, दुनिया की जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं उन सब का बोध करा रही है, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके, जो शब्द हैं वो आपके कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है, एक वर्ग और एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्ति, स्थानों तथा वस्तु का बोध करा रही है, ठीक है ना। जैसे कि बॉय और गर्ल है तो ये एक ही प्रकार के व्यक्ति का बोध करा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। विलेज आपका हो गया एक ही प्रकार के स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो आई होप इतना आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, और इसको आप एक से दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेनली आपको डेफिनेशन जो है अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, वो आप याद रखना, लेकिन पहले इसका डेफिनेशन पढ़िए, फिर ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्रॉपर नाउन में लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं, एक सेकंड, चलिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध कराते हैं, वे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन से क्या पता चला, कुछ पता नहीं चला मेरे हिसाब से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम वे सभी शब्द ले लेंगे जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में बताएंगे, वो हमारे सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे के सारे हमारे विशेष व्यक्ति हैं, ये हमारे विशेष स्थान हैं, ये हमारी विशेष वस्तु है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंडा मैं बताने वाला हूँ, जो भी वर्ड्स आपने, जो भी शब्द आपने यहाँ पे कॉमन नाउन में यूज करे हुए हैं, उनका आप कोई एक नेमिंग रख दीजिए, क्या रख दीजिए, कोई एक नेमिंग रख दीजिए, तो यही वर्ड्स आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, ये थोड़ा सा, ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल थोड़ा सा विजुलाइज होता रहे। देखिए अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका यहाँ कॉमन नाउन है बॉय है, ये देखिए बॉय था आपका, ठीक है। अगर उसी बॉय का मैं एक नेम रख दूँ,
ठीक है, बॉय था। अब मैं इसका नेम कुछ भी रख सकता हूँ, राजू, अकबर, ठीक है, बलबीर, रघु, राम, राजा, मतलब कुछ भी नाम रख सकता हूँ। तो अगर मैंने उसी का एक नेम रख दिया ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे कि नीचे देख लीजिए, अब नीचे आपका प्रॉपर नाउन में एक एग्जांपल दिया है, अकबर, अशोक, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मैंने क्या किया कि जो बॉय था, जो कि एक कॉमन नाउन है, और उसी का मैंने एक नेम रख दिया। क्या रख दिया? नेम रख दिया, तो वही मेरा क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया, करेक्ट। अब जैसे दूसरा एग्जांपल आपका कॉमन नाउन में देखिए, आपका दिया है गर्ल, क्या दिया है? गर्ल, क्या दिया है दोस्त? गर्ल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? गर्ल। तो गर्ल का भी मैं कुछ नेम दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? राखी दे सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, पूजा दे सकता हूँ, रानी दे सकता हूँ, ठीक है, जो भी मन में आए वो नेम दे दीजिए। तो ये जो मैंने पूजा, रानी, रेखा, जो भी मैंने बोला, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। उस चीज़ को हमने एक विशेष व्यक्ति बना दिया, क्या बना दिया? एक विशेष व्यक्ति बना दिया, ठीक है। जबकि गर्ल जो थी वो पूरी दुनिया की गर्ल का बोध करा रही थी, लेकिन उसी का अगर मैंने एक नेम रख दिया तो वो हमारे लिए विशेष हो गई। क्या हो गई? विशेष हो गई, ठीक है ना, समझ में आ गया दोस्तों? ओके। अब जैसे विलेज है, तीसरा एग्जांपल देखिए, रिलेट करके पढ़िएगा कॉमन नाउन से, तभी आपको प्रॉपर नाउन समझ में आएगा। जैसे कि विलेज है, तो विलेज से दुनिया के सारे विलेज का बोध हो रहा है, लेकिन उसी विलेज का मैं एक नेम रख दूँ, ठीक है, तो वो फिर आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जो भी आप सब लोगों के गाँव का नाम हो वो सोच लीजिए, वो आपका क्या है? एक हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन है, करेक्ट। अब जैसे तीसरा चौथा एग्जाम्पल देखिए, कॉमन नाउन में बुक दिया है, क्या दिया है? बुक, क्या दिया है? बुक दिया है। तो बुक से तो दुनिया की सारी किताबों का बोध हो रहा है, लेकिन उसी बुक का अगर मैं एक नेम रख दूं, ठीक है, मैंने बोल दिया रामचरितमानस, मैंने बोल दिया रामायण, बोल दिया मैंने कुरान, बोल दिया, ठीक है, अदर जो भी आप किसी बुक का नेम जानते हो वो नेम आप बोलिए, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, करेक्ट, ठीक है। अब जैसे आपका अगला कॉमन नाउन में एग्जाम्पल दिया है रिवर, क्या दिया है? रिवर। तो अगर मैं रिवर की बात करूँ तो ये आपका एक कॉमन नाउन है, लेकिन उसी रिवर को ला करके उसका एक नेम रख दीजिए, तो वही आपका क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा, गंगा, यमुना, ठीक है, ये सब क्या बन गए? आपके प्रॉपर नाउन बन गए। अब जैसे आगे है टीचर, ठीक है, तो टीचर तो आपका क्या है दोस्तों? टीचर है आप लोगों का कॉमन नाउन, उसी का आप नेम रख दीजिएगा तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा, करेक्ट, ओके। आपका आगे देखिए बिल्डिंग है, क्या है आपका आगे देखिए? बिल्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं शो कर पा रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा है बिल्डिंग, क्या लिखा है? बिल्डिंग, यहाँ देखिए ये लिखा है बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग का भी मैं कुछ नेम दे सकता हूँ, ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, ये सारी बिल्डिंग्स तो हैं, तो मैंने उसका एक नेम दे दिया, तो वही मेरा प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। अब इसमें हो सकता है एग्जाम्पल दिया हो आपका, चलिए देखिए ताजमहल का दिया है, क्या दिया है? ताजमहल, ठीक है, क्या दिया है? ताजमहल। जैसे अब मैं बात करूँ कंट्री की, तो कंट्री आपका कॉमन नाउन है, लेकिन उसी कंट्री का मैं एक नेम रख दूं, जैसे मान लीजिए इंडिया, अमेरिका, चाइना, तो ये आपके किस में आ जाएंगे दोस्तों? ये आपके आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में, करेक्ट। तो अब मेरे हिसाब से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी कॉमन नाउन वाले वर्ड्स रहेंगे वे पूरी दुनिया का बोध कराएंगे, ठीक है ना। जैसे बॉय था तो वो पूरे दुनिया के आपके बॉय का बोध करा रहा था, लेकिन जब हमने प्रॉपर नाउन में उसको एक विशेष व्यक्ति बनाने के लिए कोई नेम रख दिया, तो वही हमारा प्रॉपर नाउन बन गया, करेक्ट। चलिए स्किप करते हैं, काफ़ी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, इतना काफ़ी आपके लिए। चलिए अगला है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्या है कलेक्टिव नाउन? तो कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब एकत्र होना, यानी समूह, ठीक है। तो अब कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो वो शब्द होते हैं दोस्तों जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, के समूह का ज्ञान हो। क्या हो? के समूह का ज्ञान हो, क्या आ गया? समूह। तो समूह का पता चले वो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिफर टू अ ग्रुप और पीपल और थिंग्स, ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया है टीम, तो टीम क्या है? एक ग्रुप ही तो है। अब टीम में लेडीज भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लास है तो क्लास भी आपका ग्रुप ही तो बता रहा है, कहाँ चला गया? ये है, ये देखिए हिंदी में ये है, ठीक है, ये ग्रुप को ही तो बता रहा है, क्लास से मतलब ग्रुप,
ठीक है। अब क्लास में एक बच्चा पढ़ने तो जाता नहीं है, बहुत सारे जाते हैं, तो ठीक है किसको शो कर रहा है, ग्रुप को, ठीक है समझ रहे हैं ना। और समूह किस किस का हो सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का, ठीक है। तो ये सब आपका टीम व्यक्ति में आ जाएगा, क्लास भी व्यक्ति में आ जाएगा, आर्मी भी व्यक्ति में आ जाएगा। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर लाइब्रेरी की, मैं बात करूँ अगर यहाँ पे लाइब्रेरी की, तो यहाँ वस्तु होगी, वस्तुओं का कलेक्शन है, तो यहाँ पे ये वस्तु का समूह हो गया, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल लिख देने, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। स्किप करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है। तो अब सिंपल है ये, तो पदार्थ मतलब आपका मैटेरियल। तो अगर मैटेरियल का पता चल रहा हो, ऐसे वर्ड्स जो मैटेरियल को बता रहे हो, तो वो सारे वर्ड्स हमारे मैटेरियल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है, ठीक है। मैटेरियल नाउन्स आर द वर्ड्स दैट रिफर टू अ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि पदार्थ का बोध करा रहे हो। तो अब बहुत सारे ऐसे आपके वर्ड्स हैं जिनसे पदार्थ का पता चलता है, देख लीजिए कौन कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वुड लकड़ी, पेपर कागज, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैटेरियल नाउन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ बुक की, तो बुक आपका कॉमन नाउन हो गया, मैंने बुक का एक नेम रख दिया, मान लीजिए रामायण, प्रॉपर नाउन हो गया। बुकों का बहुत सारा कलेक्शन हो गया, तो लाइब्रेरी बन गई, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। बुक का मैंने एक पेपर ले लिया, वही मटेरियल नाउन बन गया। सिंपल है ना, देखिए एक ही चीज़ से रिलेट करते हुए हमारी सारी की सारी नाउन्स बनती जा रही है ना, समझ गए दोस्तों। जैसे कि बॉय, तो बॉय कॉमन नाउन है, उसका मैंने नेम रख दिया, प्रॉपर नाउन बन गई। जैसे मैंने बोल दिया राम, तो प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे बॉय एकत्र हो गए, एक टीम बना ली है, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है समझ गए। चलिए आगे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के हाव भाव का पता चलेगा, किसका पता चलेगा, हाव भाव, उसके गुण दोष अवस्था कैसी कंडीशन में है, ठीक है, ये सब पता चलेगा। भाववाचक संज्ञा वे शब्द हैं जिनसे किसी वस्तु के गुण दोष अथवा अवस्था का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड कंडीशन, ठीक है, किसी भी वस्तु के गुण दोष का पता चलेगा, ठीक है, यानी कि इसकी क्वालिटी एंड कंडीशन का पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे वर्ड्स कौन कौन से यहाँ दिए गए हैं, देखिए गौर से, हॉनेस्टी ईमानदारी, ठीक है, विजडम बुद्धिमत्ता, हेल्थ, ठीक है, हैप्पीनेस, सौर दुख हो गया, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से जो सारी की सारी नाउन से वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, किसी भी नाउन में आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे इसमें है कुछ नहीं, बस डेफिनेशन याद करना है आपको, जो भी ये डेफिनेशन दी है ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए हिंदी में नहीं लिखना, क्योंकि इसमें तो मैंने हिंट के लिए लिख रखा है, और आपको अगर दो एग्जाम्पल पूछे तो दो लिखिए, तीन एग्जाम्पल पूछे हैं तो आपको एग्जाम में तीन एग्जाम्पल लिख करके आना है, ठीक है, ओके समझ गए। तो आज ये नाउन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। और जो प्रोनाउन है दोस्तों, आप कहें तो मैं आगे उसको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो जो है कितना लॉन्ग हो चुका है, एक सेकंड, चलिए वीडियो भी दोस्तों काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो इसको मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, ठीक है। और जो आपका बचेगा, आप क्या क्या बचा है, आपका बचा है ये देखिए, तीन टॉपिक बचे हुए हैं, तो ये कल के लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपका लगभग 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, और ये भी क्लियर हो जाएगा कल, तो वो आपका कल के लेक्चर के लिए थोड़ा सा बचा रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग होगा तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा, तो इसके लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए और ये जो PDF नोट्स आप देख रहे हैं, ये मुझे मोबाइल से ही बनाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है यार, ठीक है, बहुत बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, ठीक है। मेरे पास अभी इतनी सारी सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करके जो भी मेरे से हो पाता है मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको भी सपोर्ट करना है, ठीक है, अपने इस YouTube फैमिली को पूरा 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 सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए, और मिल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।